हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूगल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डीपीएससी वैकेंसी लेकर के आई हूँ, जो कि एक काफ़ी रेपुटेड स्कूल है। तो इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स की रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी का अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स का भी वैकेंसी का अपडेट मैं देती रहती हूँ दोस्तों, अगर आए तो। तो आप लोग ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो दोस्तों एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, इस वैकेंसी के अपडेट बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी आई हुई है डीपीएस नासिक से, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, हम लोग एक बार देख लेते हैं। सेवेंथ पे कमीशन में यहाँ पे सेवेंथ पे कमीशन की पे स्किल्स की हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, एंड यहाँ पे देखिए अदर लिबरल पार्क्स लाइक कंट्रीब्यूटरी पीएफ डीए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन टू ऑफस्प्रिंग ऑफ कंफर्म स्टाफ, ये सब आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अच्छी वैकेंसी है ये, यहाँ पर देखिए क्या क्या वैकेंसीज़ है। प्री प्राइमरी में पीआरटी में टीजीटी पीजीटी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि ऑल सब्जेक्ट्स का ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट लोग एंड विद पीजी डिप्लोमा और डिग्री आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का आप लोग का डिग्री और डिप्लोमा है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा विद ग्रेजुएशन। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विद एटलीस्ट 3 years of teaching experience, 2 classes 6 to 10 in recognized school। पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए विद बीएड और एमएड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, बिजनेस स्टडीज एट्सेट्रा विद एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए। वेलनेस टीचर के लिए देखिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, एक्सीलेंट विद कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस आप लोगों का 2 years का होनी चाहिए दोस्तों। अदर में देखिए कंप्यूटर्स, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, लैब असिस्टेंट, थिएटर, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंट, एडमिन, इंस्टेट मैनेजर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, आईटी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, एचआर, फ्रेंच, ये सब का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोग ये स्टेट से नहीं है दोस्तों तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी स्टेट में हर एक समय सेम फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है, अदर स्टेट के लिए भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा दोस्तों, अच्छी प्लेसमेंट आना, अच्छी पोजीशन आना, अच्छी सैलरी के लिए। ठीक है, वैकेंसी आई हुई है, देखिए स्कूल वेबसाइट पर फॉर्म्स अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर जाकर के फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। और कैंपस एड्रेस दिया गया है विल मनोड़ी बिहाइंड MUHS नासिक, दिंदौड़ी सूरत हाईवे नासिक। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है 7507990988 पे, आप लोग फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज सितंबर 13 के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना होगा। www.dpsnasik.com पे आप लोग जा सकते हैं फर्दर डिटेल्स जानने के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और यहाँ पर देखिए मेल आई डी दिया गया है, यहाँ पर आप लोग फॉर्म्स को प्रिंट करके उसको फिल करके यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, विथ योर रिज्यूम, आप लोग चाहे तो रिज्यूम भी सेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फॉर्म्स बोला गया है, तो ऑनलाइन फॉर्म हो तो ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करके सबमिट कर दीजिएगा आप लोग। तो ये वैकेंसी देख लीजिए दोस्तों, आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल नासिक से। ठीक है, आप लोग स्टेट चेक कर लीजिएगा, और ऐसी ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ी रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।